नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा तोशनीवाल और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की लौंग वाली सेव, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। घर में बनी हुई सेव में पूरी शुद्धता रहती है क्योंकि हम घर में अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं और ये लंबे समय तक फ्रेश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। लौंग की सेव बनाने के लिए हमने 250 ग्राम फाइन बेसन लिया है। बेसन मोटा नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट में 2.5 कप है। 85 ग्राम ऑयल लिया है। 2 टीस्पून नमक लिया है और 3 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ली है। सफ़ेद मिर्च सेव नमकीन बनाने के काम में ली जाती है। यह स्वाद में बहुत तीखी होती है और यह कलर बिल्कुल नहीं देती है। मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर मार्केट में नहीं मिले तो किसी भी सेव वाले की शॉप से ले सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन ली है। 3/4 टीस्पून लौंग का पाउडर लिया है। अगर ज़्यादा स्ट्रोंग फ्लेवर देना है तो लौंग की मात्रा हल्की सी बढ़ा सकते हैं और लौंग का फ्लेवर लाइट रखना है तो हल्की सी मात्रा कम कर सकते हैं। बेसन में सभी सूखे मसाले डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें ऑयल का मोइन दिया है तो आसानी से बेसन की मुट्ठी बन रही है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने लिया है 100 ml प्लस 2 टेबलस्पून। पहले हम इसमें लगभग 100 ml पानी ही डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत रहेगी तो 1 या 2 टेबलस्पून पानी और डालेंगे। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून पानी और डाल रही हूँ। अब बेसन को अच्छी तरह से मैश करेंगे और इसका नरम डो तैयार करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में रख लेंगे। ये जो हमारे हाथ पर बेसन लगा है इसे स्पेचुला से साफ कर लेंगे और बाउल का बेसन भी इकट्ठा कर लेंगे। अब इसे एक बाउल में रखकर ढक देंगे और 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हमने बेसन का जो डो तैयार किया है उसे चम्मच से हल्का सा मैश कर लेंगे। इससे नमकीन अच्छी सॉफ्ट बनेगी। सेव बनाने के लिए मैंने ये सेव बनाने वाली मशीन ली है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और लौंग की सेव के लिए हल्के से मोटे छेद वाली जाली ली है। इसे भी ग्रीस कर लेंगे और इसे मशीन में रखकर सेट करेंगे। अब तैयार डो को ग्रीस की हुई मशीन में डालेंगे। हम इसे चम्मच से पूरा अंदर की तरफ धकेलेंगे जिससे इसमें कोई एयर नहीं रहेगी। मशीन को थोड़ी सी खाली रखेंगे और अब हम इसे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह मशीन को घुमाएंगे और आंच बिल्कुल कम कर देंगे। हम जल्दी जल्दी मशीन को घुमाएंगे। अब हम मशीन को उल्टी घुमाएंगे जिससे इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा और ये अपने आप टूट जाएगी। अब हम एक जारी लेकर इसे हल्का हल्का पुश करेंगे जिससे सारी नमकीन ऑयल में डूबी हुई रहेगी। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है नहीं तो हमारी नमकीन चपटी हो जाएगी। अब हम इसे बिल्कुल कम आंच पर तलेंगे क्योंकि ये मोटी सेव है और इसे अंदर तक सिकने में समय लगता है।
बस हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छी सिकाई करने के चक्कर में कहीं हम इसकी सिकाई और ज़्यादा न कर लें, क्योंकि सेब की सिकाई में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसका कलर चेंज होने के पहले हमें इसे ऑयल से निकालना होगा, नहीं तो इसमें जली हुई नमकीन का टेस्ट आएगा। इसे हम एक बार फिर से पलट लेंगे। ये नमकीन अगर बारीक होती तो इसे तलने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन ये नमकीन थोड़ी मोटी है इसलिए हम इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक तलेंगे। आंच बिल्कुल कम रखेंगे, हम इसे एक दो बार पलट कर देख लेंगे जिससे ये कहीं से कच्ची नहीं रहेगी। बिल्कुल हल्की सी नरम है तो ठंडी होते होते ये कड़क हो जाएगी। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। एक बार फिर से ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे और आंच कम कर देंगे। फिर से इसी तरह से बचे हुए बेसन की भी सारी सेव बना लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह हम बारीक सेव और लहसुन की सेव भी बना सकते हैं। मैंने इनकी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप चाहें तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। लौंग के फ्लेवर वाली सेव बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, मैं इसे थोड़ी सी सेव को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत ही खस्ता बनी है और फ्रेश ऑयल यूज़ किया है तो ये नमकीन भी बहुत अच्छी बनी है, स्वादिष्ट बनी है, बिल्कुल खस्ता बनी है। और ये नमकीन 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी, आप इसे ठंडी होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में भर दें। तो है ना, ये नमकीन बनाना कितना आसान। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।